अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे थंबनेल देखकर के, ईद की शॉपिंग तो इन लोग की हो गई थी, फिर ये कहाँ निकले हैं? तो हम लोग जा रहे हैं नाखुदा मोहल्ला। ईद की शॉपिंग माशाल्लाह से हमारी कम्प्लीट हो गई थी, बट नेक्स्ट मंथ रिलेटिव के यहाँ एक शादी है, तो उसके लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ कपड़े वगैरह लेने के थे। उसके अलावा शिरखुरमे का सामान भी लेना बाकी था और कुछ बैग्स वगैरह। तो लास्ट टाइम हम लोग गए थे कुरला और इस बार जा रहे हैं नाखुदा मोहल्ला मुंबई की रमज़ान की रौनक देखने के लिए। तो चलिए आपको भी लेकर चलते हैं मुंबई। अभी हस्बैंड खड़े हैं लाइन में, टिकट निकाल रहे हैं और हम लोग इधर वेट कर रहे हैं। तो हस्बैंड और मैं अलग अलग लाइंस में खड़े थे कि जिसका पहले नंबर आ जाए उसको टिकट मिल जाएगी, और फाइनली मेरा नंबर पहले आ गया। TNCST रिटर्न। तो बच्चे और हस्बैंड गए हैं एस्केलेटर से, मैं और अम्मी आए हैं लिफ्ट से, बिकॉज अम्मी को एस्केलेटर से डर लगता है। आ गए, चलो। एक ट्रेन हम लोग की छूट गई है रश की वजह से। हम लोग ट्रेन में तो चढ़ गए लेकिन जगह नहीं मिली है, खड़े हैं ऐसे। अम्मी और हमदान उधर खड़े हैं। अब यहाँ से कोई उतरेंगे तो फिर हम लोग बैठेंगे। तो यहाँ डैडी को सीट नहीं मिली है तो वो खड़े रह के ट्रैवल कर रहे हैं, और हमदान को सीट मिल के भी वो खड़े रह के ट्रैवल कर रहे हैं। सीट के ऊपर कौन खड़े रहता है? हाँ, सीट तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको घाटकोपर में ही मिल गई थी, बट आप देख सकते हैं दादर में ट्रेन काफ़ी खाली हो गई है, और आज संडे है, मेगा ब्लॉक रहता है, इसलिए ट्रेन लेट भी हैं और फास्ट ट्रेन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ स्लो ट्रेन ही चलाई जा रही है आज। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उतर गए हैं CST स्टेशन और अभी जा रहे हैं बाहर की तरफ टैक्सी लेने के लिए। और ये है BMC ऑफिस जो वीडियो में नज़र आ रहा है। ये ब्रिज से उतरने के बाद फिर हम नीचे उतर के टैक्सी लेंगे और जाएंगे भिंडी बाज़ार मोहम्मद अली रोड। अभी हम लोग खड़े हैं टैक्सी लेने के लिए, यहाँ से हम लोग भिंडी बाज़ार जाएंगे। टैक्सी तो मिली नहीं है, एक भी टैक्सी वाला उधर जा नहीं रहा है। अभी हम लोग बस स्टॉप पे बैठे थे, मिल गई टैक्सी, चलो मिल गई। हाँ आ रही, चलो। सो फ्रेंड्स, हम लोग उतर गए हैं मीनारा मस्जिद सुलेमान उस्मान मिठाई वाला के पास, और अभी सबसे बड़ा टास्क है बच्चों को संभालते हुए मार्केट में एंटर करना, बिकॉज रश बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम आए हैं रेडीमेड्स की शॉप पर। अगर अम्मी के साइज़ का रेडीमेड मिल जाता है तो ठीक है, वरना फिर मटेरियल की तरफ जाएंगे। यहाँ पर कराची सूट्स 1800-2000 के रेंज में एक से बढ़कर एक कराची सूट्स अवेलेबल हैं। तो रेडीमेड तो अम्मी के साइज़ का मिला नहीं, अभी हम जा रहे हैं मटेरियल की तरफ। तो यहाँ ज़्यादातर ड्रेसेस के ऊपर प्राइजेस लगे होते हैं। ये लेफ़्ट साइड में जो पूरी लाइन ऊपर की ड्रेसेस की आपको नज़र आ रही है, ये 550 की रेंज में विथ इनर बॉटम दुपट्टा ऑल्सो, कॉटन मटेरियल भी है, सिंथेटिक भी है। उसके अलावा ये जो सामने की लाइन में ऊपर साइड जो नज़र आ रहे हैं वो 750 की रेंज में है। तो फर्स्ट वाली शॉप में तो अम्मी को एक भी ड्रेस पसंद नहीं आया, बिकॉज उनको विदाउट इनर जो ड्रेसेस होते हैं ओनली कॉटन उस टाइप के ड्रेसेस चाहिए, उसमें उनको पसंद नहीं आया। तो ₹750 के कौन सा ली बोलो ना मामा।
तो दो तीन शॉप्स देखने के बाद हम फिर आगे बढ़े, बिकॉज अम्मी को जो ड्रेसेस पसंद आ रहे हैं वो सिंथेटिक में और अम्मी को चाहिए कॉटन। तो यहाँ पर भी 550, 650, 750 के प्राइजेस में ड्रेसेस हैं। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स में प्राइजेस सिमिलर है, ड्रेसेस सिमिलर हैं, तो यहाँ प्राइस का कोई इशू नहीं है कि किसी दुकान में कम किसी दुकान में ज़्यादा। सो फाइनली एक ड्रेस तो अम्मी को पसंद आ गया है और अभी हम और ड्रेसेस देखने के लिए जा रहे हैं। सो इस शॉप पर ये जो ऊपर की साइड ड्रेसेस लगे हुए हैं ये प्लाज़ो पैंट और गरारे वाले हैं, जिसमें गरारा और प्लाज़ो स्टिच्ड है और टॉप अनस्टिच्ड है। इसके अलावा ये सभी मटेरियल्स हैं। सो जब हम मार्केट में पहुंचे तब इफ्तार के लिए आधा पौन घंटा बाकी था और खजूर पानी हम घर से लेकर आए थे, बट यहाँ जब हम इफ्तार के लिए बैठे तब शॉपकीपर्स ने बताया कि औरतों के लिए मस्जिद में इफ्तार और नमाज का अहतमाम किया गया है, तो वहाँ पर जाइए। तो अभी हम जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। चप्पल बाहर डैडी के पास। इफ्तार के बाद फिर से मार्केट जैसा का वैसा ही भर गया, वैसे स्टार्ट हो गया है। तो अब फाइनली हम लोग आ गए हैं उस शॉप पर जिसके बिना लेडीज़ की ईद अधूरी है, कोई भी फंक्शन जिसके बिना अधूरा है, और शॉपिंग पर आए और ज्वेलरी की शॉप में ना जाए ऐसा हो सकता है क्या? ये सब 7,500-7,750 के रेंज की ड्रेसेस है। अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग रुके हैं ड्राई फ्रूट्स की शॉप पर शिरफुरमे का सामान लेने के लिए। डायरेक्ट दूध में डालो खाओ। ये 300 रुपया किलो, 250 रुपया किलो। ये असली घी की है। ये एक बहुत अच्छी शॉप है नाखुदा मोहल्ला की, जहाँ पर पार्टी वेयर ड्रेसेस बहुत कम प्राइस में अवेलेबल है। लॉन्ग फ्रॉक, गाउन्स, अम्ब्रेला विथ इनर दुपट्टा, ये एक गाउन देखिए आप 1550 रुपये में। ये पूरी जो लाइन है 1550 रुपये की रेंज में, बहुत ही अच्छे ड्रेसेस। ये दिल्ली की स्पेशल मोहब्बत फ्रूट आइसक्रीम है। उसका फ्लेवर है। अभी यहाँ रुके हैं नींबू पानी पीने के लिए। सो इस शॉप पर भी बहुत अच्छे ड्रेसेस थे, यहाँ से भी अम्मी को 2 ड्रेसेस पसंद आए हैं। और ज़्यादातर मार्केट में नायरा कट और कराची सूट्स की ही धूम चली है। ये राइट साइड वाली लाइन में पिंक ड्रेस से जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है आगे तक सभी नायरा कट ड्रेसेस है, ज़्यादातर यही मार्केट में है और अभी न्यू फैशन है इसलिए इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। ये जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ये 1600 के रेंज में है। और ये रहा हामीम शोरूम, जहाँ पर ब्राइडल और पार्टी वेयर ड्रेसेस बहुत अच्छे होते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं ट्रैवलिंग बैग।
तो शॉपिंग तो कंप्लीट हो गई है और अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद, काफ़ी दूर तक पैदल चलने के बाद हमको टैक्सी मिली है और अभी बज रहे हैं 9:30। स्टेशन जाकर देखते हैं अभी कब की ट्रेन मिलती है, फिर आई थिंक घर पे जाने तक तो हमको 11:30 हो ही जाएंगे। ये ले तक चलो उतर। ये पक हम बांध देंगे मामा जी। तो अभी हम लोग आए हैं CST स्टेशन और ये है BMC ऑफिस का रात का नज़ारा। लाइट्स की वजह से ये कितना अच्छा लग रहा है। ये है CST स्टेशन सुशान, ये मुंबई स्टेशन, मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। अभी लगी है ट्रेन। नहीं बाबा, साथ में ही चलो अम्मी। सो ट्रेन में तो हम लोग चढ़ चुके हैं बट हमको स्लो लोकल मिली है और रात बहुत हो गई है इसलिए अभी ट्रेन में रश भी कम है और कंफर्टेबल सीट्स हो। अभी आ गए स्टेशन से बाहर और दूध नाके की रिक्शा लेंगे अभी इधर से। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम कल्याण आ गए हैं और अभी जा रहे हैं घर की तरफ। जैसे मैंने आपको कहा था कि 11:30 कम से कम हो जाएंगे बट स्लो लोकल थी और प्लस थोड़ा लेट भी हो गई थी इसलिए अभी 12:15 बज रहे हैं और अब हम जा रहे हैं घर। तो यहीं पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।